हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगराज एजुकेशन हम में। और आज आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, लॉगिन फॉर इनटेक, ठीक है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे, आप एडपो का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, एग्जाम डेट और एग्जाम का टाइम भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें पता चल सके कि एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन फॉर इनटेक सेकंड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो देखिए, पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पर आप हमेशा क्रोम ब्राउजर में खोलें, सिर्फ डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मेरी आपको फ्रेंड को निकाल कर दिखा रहा हूँ आपको कैसे आपको करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा दिया होगा आपको, आपको उसे फिलअप करना होगा। तो जैसे ही आप इसे फिल कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए ये ऑप्शन लास्ट में मिल जाएंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड मैंने एडमिट कार्ड कर लिया, तो आपको दिखा दूंगा मैं अभी क्या एग्ज़ाम डेट है। तो ये वाई ग्रुप का एडमिट कार्ड है किसी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 तारीख को शिफ्ट बी है और रिपोर्टिंग टाइम 2:30 बजे, ठीक है, श्री गंगानगर का है ये। तो एडमिट कार्ड अगर आपने देखी यहाँ पर, अगर आपने मैंने उसने क्या किया है, यहाँ पर केवल इमेज के नीचे कंप्यूटर से लिखवाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने स्लेट को भी यूज़ नहीं किया है तो भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। अगर पासवर्ड आपसे रीसेट नहीं हो रहा, पासवर्ड आप फॉरगेट हो गए हैं, भूल गए हैं, तो आप मुझे, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको करना है उन्हें रीसेट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।